आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने मोबाइल फ़ोन का एड्स को कैसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आता है, काफ़ी ज़्यादा प्रचार आता है, आप परेशान हो गए हुए हैं, और दोस्तों अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड भी नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है बिना कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए अपने मोबाइल फ़ोन का एड्स को कैसे बंद किया जाता है, और दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर आज आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ बिना कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए आप अपने मोबाइल फोन के अंदर आने वाले एड्स को कैसे बंद कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, इन्फोटिव यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन में ऐड आता है और दोस्तों अगर आप उस ऐड को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस सेटिंग को समझिएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा मोबाइल फ़ोन का सेटिंग। सिंपली हम सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आ जाते हैं, अब आपको हल्का नीचे के साइड में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कनेक्टिंग एंड शेयरिंग का, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइवेट DNS। सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे प्राइवेट DNS शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ऊपर के साइड में जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सर्च बॉक्स पे और यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है DNS, और दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्राइवेट DNS आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है, और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे प्राइवेट DNS पे क्लिक कर देते हैं, कुछ इस प्रकार का तीन ऑप्शन आपके सामने शो हो जाता है। पहला ऑप्शन ऑफ है, दूसरा है ऑटो, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर पे आपको क्लिक कर देना है जिस पे लिखा हुआ है प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, कुछ इस प्रकार का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको जो कुछ इस प्रकार से टाइप करना है, कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है dns.edgar.com। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, जैसे आप यहाँ पे लिख करके सेव कर देते हैं, ये वाला जो है आप नाम डाल देते हैं dns.edgar.com, और यहाँ पे सेव करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इतना सेटिंग करने के बाद आप अपना मोबाइल फ़ोन का कोई भी एप्लीकेशन खोल लीजिए, आपको ऐड 100% देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।